एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम प्रेजेंस बोर्ड रिजल्ट्स इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रकरण ही ले रहे हैं और इसमें यही हम टॉपिक ले रहे हैं मानव में बहन। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई तरह से हमसे पूछा जाता है उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चार क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है। नंबर 1, लसिका क्या है? सेकंड, लसिका का निर्माण कैसे होता है? थर्ड, लसिका का वहन किस प्रकार होता है? फोर्थ, लसिका के कार्य क्या है? ये कंबाइंड होकर भी आया हुआ है पूरा 6 नंबर में 2017। और अगर अलग अलग आता है तो अलग अलग के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, लसिका क्या है। तो लसिका, जैसे अभी हमने पीछे रुधिर के बारे में भी हमने पढ़ा है कि रुधिर जो है वो तरल संयोजी उत्तक है, सेम लसिका भी तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में मेन क्या है कि रुधिर लाल रंग का है और लसिका जो है वो लाइट येलो कलर या आप कह सकते हैं रंगहीन है। तो हम इसी को आंसर में लिखेंगे। इस चीज पर आपने जरूर फोकस करना है, रंगहीन, कलरलेस। इसमें कुछ प्रोटीन यानी कि रक्त के कंपैरिजन में यहाँ पर कम प्रोटीन जो है वो पाई जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती, इसी वजह से इसका कलर जो है वो नहीं आता। इसमें भोज्य पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तथा प्लाज्मा, जिसकी वजह से ये भी द्रव अवस्था में है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये अंतर कोशिकीय स्थान या अवकाश में भरा हुआ होता है, इसीलिए हम इसे अंतर कोशिकीय द्रव या तरल उत्तक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमारे उत्तकों में कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहां पर ये लिक्विड या फ्लूड जो है वो फिल्ड होता है और उसी का नाम देते हुए हम इसे इंटर सेलुलर फ्लूड यानी कि अंतर कोशिकीय द्रव या फिर टिश्यू फ्लूड यानी कि उत्तक तरल भी कहा जाता है। तो इतना हम लसिका के बारे में बता रहे हैं कि लसिका क्या है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि लसिका का निर्माण कैसे होता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे इस शरीर में 3 तरह की रक्त वाहिकाएं हैं, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा और थर्ड होती है केशिकाएं। केशिकाएं जिन्हें हम कैपिलरीज भी कहते हैं और ये कैपिलरीज की लाइनिंग भित्ति जो है वो बहुत पतली होती है और ये उत्तकों तक हमारे रक्त को पहुंचाती है। तो जब हमारा रक्त केशिकाओं में से गुजरता है तो उन्हीं केशिकाओं की भित्ति में जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनमें से कुछ चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं और उन चीजों से ही हमारा ये टिश्यू फ्लूड यानी कि लिम्फ जिसे हम लसिका कहते हैं ये बना हुआ है। तो केशिकाओं हाँ जी, केशिकाओं, ये ध्यान रखना है, आप कोशिकाओं नहीं लिखना, आपने ओ की मात्रा नहीं लगानी है, एक ही मात्रा लगानी है। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों में से जल, कुछ प्रोटीन और श्वेत रुधिर कणिकाएं निकलकर अंतर कोशिकीय स्थान में आ जाती हैं और यही पदार्थ जो निकला है उस स्पेस में, उस जगह, वही लसिका का निर्माण करती है। ये एक तरह से फ्लूड है जो हमारे ब्लड से ही बना है, हमारे रक्त से ही बना है, लेकिन ये अलग उस स्पेस में उपस्थित होता है।